ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स। आज सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैंने इस चैनल पे पिछले 6 मंथ्स में 15K सब्सक्राइबर्स पूरे करे हैं, तो बहुत 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 सारा थैंक्स आप लोगों के लिए। ये सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। विदाउट योर सपोर्ट आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो इसलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा, आप सभी सब्सक्राइबर्स को या सब उन्हीं लोगों को जो ये मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे और वो है शुड यू वेट और मूव ऑन। तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, हम उस पर एक जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले हम आपके दोनों की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे कि रिलेशनशिप इस टाइम किस दौर से गुजर रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, आप दोनों की इंटरनल फीलिंग्स क्या हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको उस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से देखेंगे कि क्या सलाह आ रही है आपके लिए। एंड फाइनली हम आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे जो कि आप हम अपने गीता के डेक से निकालेंगे, जिसमें भगवत गीता की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। सो इसी पे हम जल्दी से अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट बात रह गई, सॉरी, कि रीडिंग जनरल है। सो प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि आप हमेशा ऐसे करते हो। पाइसिस की पिछले हफ्ते तो ये रीडिंग थी, इस हफ्ते तो ये है। तो देखिए पिछले हफ्ते किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता, और इस हफ्ते किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो पेड रीडिंग होती है। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को, ठीक है। सो एरीज राशि, सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या है आपके पार्टनर की, सॉरी आपके पार्टनर की नहीं, आपकी और आपके पार्टनर की मिक्स्ड एनर्जी। मिक्स्ड यानी कि इस रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी, ठीक है। सो पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups, 2 of swords एंड 10 of wands। देखिए एरीज, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं इस पूरी रीडिंग में, और वो ये है कि रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो गया है कि जहाँ ना आप फीलिंग्स दिखा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर। अब दोनों ने ही अपनी जो फीलिंग्स दिखाने का जो एक पूरा प्रोसेस है वो बंद कर दिया है। अगर है भी आप दोनों के मन में फीलिंग्स तो उसको दबा दिया है आप दोनों ने, अब दिखा नहीं रहे। आप दोनों चुप होकर बैठ गए हैं, शांत होकर बैठ गए हैं, और इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से इजहार कर रहे हैं। इवन आप अपने दोनों गुस्सा भी नहीं दिखा रहे, मतलब आप दोनों एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पर अब फिलहाल आप दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो गए हैं। ना गुस्सा, ना प्यार, ना कोई जज्बात, बिल्कुल शांत आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं ये हुआ इस वजह से है, शायद बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गई सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया चीज़ों को हैंडल करना। और हो सकता है आप में से किसी के काम में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो, या आपके पार्टनर को, अगर वो करियर वुमेन है या करियर मैन है, जो भी बहुत ज़्यादा उनके बिजनेस में या किसी तरह का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आ रहा हो। प्लस रिलेशनशिप में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्ट्रेस दिख ही रहा है, जहाँ पर चीज़ें शायद बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। और हालांकि जो चीज़ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि मन में ना आप लोग अभी भी होपफुल हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि आप लोगों ने ये भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, भले ही कितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से आप गुजर रहे हों, लेकिन मन में आप लोग अभी भी होपफुल हैं कि हाँ रिलेशनशिप शायद आने वाले समय में ठीक हो, या ये रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट आए, अभी नहीं आए तो कुछ समय आए, शायद ये जो न्यूट्रल होकर चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आए, कुछ ऐसा सा मुझे दिख रहा है। होप्स ख़त्म नहीं हुई हैं,
बट हाँ, लोगों की, थर्ड पार्टी की और लोगों की बहुत इंटरफेरेंस है आप दोनों के बीच में। आप लोग इस टाइम शायद अपनी लाइफ को थर्ड पार्टीज़ या थर्ड पर्सन्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बिता रहे हैं रैदर देन कि एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे को तो कम वैल्यू कर रहे हो, और दूसरे लोगों को जो शायद इतना मैटर भी नहीं करते लाइफ में, या करते हैं तो बस उन्हीं के साथ लगे हो, एक दूसरे को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सो ये तो है आपके एनर्जीज एरीज मुझे जो दिख रही हैं। अब मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। सॉरी पार्टनर की नहीं, अब मैं निकालूँगी कि आपके पार्टनर और आप, आपकी मतलब डिवाइन की तरफ से क्या है कि आपको इस रिलेशनशिप में अब आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो हम वो एनर्जीज निकालेंगे। सो कार्ड्स में देखते हैं क्या करना चाहिए। द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया है, रिवर्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वुमन। मुझे जहाँ तक दिख रहा है एरीज, आपका रिलेशनशिप इस टाइम बिल्कुल स्टक मोड पे है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना आप कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ना आप कोई, आप मन में चाहते हैं कि मेरी लाइफ में शायद चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं या एक हैप्पीनेस आ जाए, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से आई डोंट नो हो नहीं रही हैं शायद। और सिक्स ऑफ पेंटिकल से मुझे जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। एक इंसान ज़्यादा करता रहा, एक इंसान कम करता रहा, और इतनी डिसबैलेंस सिचुएशन हुई कि आज ये रिलेशनशिप स्टक होकर बैठ गया है। देखिए, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में जब दोनों पार्टीज़ इक्वल अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, अदरवाइज़ फिर स्टेबिलिटी आनी बहुत मुश्किल है, फिर चांसेस नहीं हैं। सो अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि टावर से आया है इसका, सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप वो इक्वल एफर्ट्स लगा सकते हैं एरीज, सो डेफिनेटली आप आगे बढ़ें और एफर्ट्स लगाएं, अदरवाइज़ यू हैव टू मूव ऑन देन। फिर मुझे नहीं लगता कि, अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊं, सो फिर बेटर यही है कि आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि रिलेशनशिप में जो लोग ये सोचते हैं, या आपकी पार्टी अगर सोचती है कि मुझे झुकना भी ना पड़े और मुझे सब कुछ मिल जाए, सो ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, मैं आपके लिए गीता से कार्ड्स निकालती हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं एरीज राशि को, डिवाइन क्या कहना चाहता है। तो गीता से हम कार्ड्स लेंगे एरीज के लिए। प्रोटेक्शन का कार्ड है और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। फॉर दोज हु वर्शिप मी विद डिमोशन, मेडिटेटिंग ऑन माई ट्रांसेंडल फॉर्म, आई कैरी व्हाट दे लैक। देखिए, आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं, ये भगवान आपसे कह रहे हैं, ये डिवाइन गाइडेंस है। सो जो लोग मेरी पूजा करते हैं उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, उन्हें जो भी लाइफ में कमियाँ हैं, जो भी चीज़ों में वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ और उनके साथ रहता हूँ, ठीक है। अगला हम देखते हैं, दूसरी गाइडेंस देखते हैं, ये है डाउटिंग सोल। डाउटिंग सोल का मतलब क्या है? बट द इग्नोरेंट एंड द फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉर एवर बी लॉस्ट। जो इंसान सच पर विश्वास नहीं करता वो हमेशा जीवन में क्या रहता है? खोया रहता है, ठीक है। डाउटिंग सोल का मतलब है, अगर आप अपनी खुद की आत्मा पर, या अगर आप सच पर यकीन नहीं करेंगे, जो भी फेथलेस इंसान कौन होता है? जो कि विश्वास नहीं करता, वो इग्नोरेंट यानी जो चीज़ों से दूर रहता है, सच्चाइयों से और हर चीज़ से दूर रहता है। सो ऐसा इंसान हमेशा क्या रहता है? खोया रहता है। और डाउटिंग सोल जो है, डाउटिंग मीन्स शंका में, शक में जो सोल रहती है, जिसको कंफ्यूज्ड सोल भी कहा जा सकता है, जो इज़ नीदर हैप्पी इन हिज लाइफ नॉर नेक्स्ट, यानी कि ना ही वो इस जन्म में खुश रह सकता और ना अगले जन्म में। सो इन दो बातों को आप समझें, क्या प्रोटेक्शन आपको ऊपर वाले दे रहे हैं
और क्या आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में करना चाहिए। सो एरीज, इन मैसेजेस को प्लीज़ सीरियसली ले। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ क्लैरिटी आई हो इस रीडिंग से, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स रीडिंग को, पर्सनल रीडिंग को के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।